अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने सोशल स्टडी के फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं और इसके हम सबसे पहले यूनिट की रीडिंग करेंगे। और आपने रीडिंग के दौरान अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और फिर बाद में एट द एंड जब हम आंसर क्वेश्चन या फिर इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको तो साथ साथ इनके जवाब देने होंगे। तो फर्स्ट यूनिट है वी आर स्पेशल एज ए पाकिस्तानी। हमने इस यूनिट के अंदर हमने ये देखना है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम एक यूनिक कौम है और हमारे जो पाकिस्तान के जो फ्लैग्स हैं और इसके अलावा जो हमारे दूसरे नेशनल थिंग्स हैं हमने उनके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा हमने अपने इस्लाम को भी डिस्कस करना है, अपनी लैंग्वेज को भी डिस्कस करना है। तो आपने इस यूनिट को अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इसकी रीडिंग आपने कम से कम दो दफा इस यूनिट को जरूर अच्छी तरह से रीड करना है। जी, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। आप बच्चों, आपको दो पिक्चर नजर आ रही हैं। कैन यू टेल विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर पाकिस्तानी एंड विच आर चाइनीज। आपने बताना है कि इनमें से चाइनीज कौन से और पाकिस्तानी फिगर कौन सी है। तो आप बताएं मुझे जी, क्या ये पाकिस्तानी है? यस, क्योंकि इनके हाथ में पाकिस्तानी फ्लैग भी है और जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। और ये वाली पिक्चर जो नजर आ रही है ये चाइनीज की है। इनके पास फ्लैग भी चाइनीज है और इनका कल्चर जो है वो भी चाइनीज नजर आ रहा है। द चिल्ड्रन इन बोथ पिक्चर्स आर वेयरिंग डिफरेंट क्लॉथ एंड होल्डिंग डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स। इन्होंने डिफरेंट कपड़े भी पहने हुए हैं और इनके हाथ में डिफरेंट फ्लैग्स भी हैं। दीज डिफरेंट शो देयर नेशनल आइडेंटिटीज। ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं कि इन्होंने डिफरेंट कलर के फ्लैग पकड़े हुए हैं और डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, यही किसी भी मुल्क के मुख्तलिफ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से लोगों की पहचान होती है कि वो पाकिस्तानी हैं या किसी और बाहर के मुल्क में से हैं। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। जी, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेशनल सिंबल्स, नेशनल हीरोज एंड अदर यूनिक थिंग that make up its national's identity. Like all nations, Pakistan has its own national identity. वो ये कह रहे हैं कि हर मुल्क की अपनी एक पहचान होती है, उसके यूनिक थिंग्स होती हैं, यूनिक हीरो होते हैं। तो आइए हम अपने पाकिस्तान को स्टडी करते हैं। सम ऑफ द सिंबल्स दैट रिकॉग्नाइज अस एज पाकिस्तान और कौन कौन से हैं? नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जी बिल्कुल, हमारा कौमी झंडा और कौमी तराना सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंट है। द पाकिस्तानी फ्लैग इज ग्रीन एंड वाइट। पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो आपको नजर आ रहा है कि ग्रीन और वाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन और वाइट कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो चले पढ़ते हैं। विद अ क्रिसेंट एंड अ स्टार। क्रिसेंट एंड स्टार से मुराद ये है कि आपको इसके अंदर एक चांद और एक सितारा नजर आ रहा है ना, तो ये भी आपके फ्लैग की पहचान है। और जो ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स, और जो ग्रीन पार्ट है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। एंड द वाइट पार्ट रिप्रेजेंट द नॉन मुस्लिम, और जो वाइट है वो नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि इसका ग्रीन ज्यादा है और वाइट जो है वो कम है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मुसलमान बहुत ज्यादा है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो दूसरी बाकी कौम्स हैं जिनमें ईसाई आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं या और जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम्स हैं वो बहुत कम है तादाद में। तो इसके आगे हम स्टडी करते हैं कि द क्रिसेंट्स एंड द स्टार्स आर सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस एंड लाइट। वो हमारी तरक्की को रिप्रेजेंट करते हैं। आवर नेशनल एंथम पाक सरजमीन शादबाद, आप पढ़ते हैं ना असेंबली में, तो वो हमारा जो कुमित्राना है इज अ प्रेयर फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए पढ़ा जाता है। इट वॉज रिटन बाय फेमस पोइट हफीज जलंधरी। तो याद रखना बेटा, जो कौमी तराना है वो किसने लिखा है? हफीज जलंधरी ने। वी सिंग इट विद प्राइड टू शो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। हम इसको अपने मुल्क की तरक्की और मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चीज जो है पाकिस्तानी झंडे के बाद करेंसी। तो आपने करेंसी के बारे में आप जानते हैं, यानी पाकिस्तान के जो आप लोग जानते हैं रुपीज है वो कौन से होते हैं? कभी आपने 10 रुपए का नोट देखा,
100 का नोट देखा और इसी तरह से आपने वांट है। तो पढ़ते हैं, आवर करेंसी इज द पाकिस्तानी रुपी, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू द करेंसी, ऑल बैंक नोट्स फीचर्स पेट्रियट ऑफ कैदी आजम, 1, 2 and 5 रुपी कॉइन्स आर आल्सो इन यूज, द सिंबल फॉर द रुपी इज आर एस। आपने याद रखना है आर एस जो है वो पाकिस्तानी करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे, मगर उससे पहले आप एक चीज बता दें और वो है हमारा मजहब, हमारी जबान और हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमारी हमारा जो जो मजहब है उसका नाम क्या है बच्चों? इस्लाम। वेरी गुड, हम अपने मजहब मजहब को इस्लाम कहते हैं। और हमारी जो लैंग्वेज है, जो हम जबान बोलते हैं वो उर्दू है, और जो हम कपड़े पहनते हैं कौमी वो कौन से हैं? सलवार कमीज। तो आपने याद रखना है, आइए स्टडी करते हैं, मोस्ट पाकिस्तानीज आर मुस्लिम, इस्लाम इज द स्टेट रिलीजियन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक वैल्यूज आर पार्ट ऑफ आवर वेज ऑफ लाइफ, उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज, बट मैनी अदर रिलीजियन लैंग्वेज आर ऑल्सो स्पोकन, आवर नेशनल ड्रेस इज कमीज सलवार। तो आपने याद रखना है कमीज सलवार। तो पाकिस्तान के अंदर सलवार कमीज के अलावा और भी बहुत से स्टाइल के कपड़े पहने जाते होते हैं। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं और हर सूबे का जो कौमी लिबास है वो जो जो सकाफती लिबास है वो अलग है, मगर याद रखिएगा जो हमारा कौमी लिबास है वो सलवार कमीज है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीजें हैं जिनको हम कौमी हीरो भी कहते हैं, और इस तरह से कौमी परिंदा हो गया, कौमी जानवर हो गया, कौमी फल हो गया, इन तमाम चीजों की पहचान हमने याद रखनी होती है। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये जैस्मिन फ्लावर है बेटा, जिसको हम कौमी फूल कहते हैं। और ये जो आपको बर्ड नजर आ रहा है जिसका नाम चकोर है, तो ये हमारे पास कौमी परिंदा है बच्चों, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा एनिमल यानी जानवर, कौमी जानवर किसको कहते हैं? मारखोर को। मारखोर हमारा क्या है बच्चों? कौमी जानवर है। और आप ये भी याद रखिए कि हमारा कौमी शायर यानी नेशनल पोइट जो है वो कौन है? अल्लामा इकबाल। और जो कौमी खेल है वो क्या है? हॉकी। वेरी गुड। और जो कौमी फल है वो क्या है बच्चों? आम। तो बस आपसे जब कोई पूछे कि कौमी फूल का नाम बताओ, आपने बोलना है जैस्मीन, और कौमी परिंदा चकोर, कौमी जानवर मारखोर, और कौमी हीरो, कौमी शायर जिसे हम कहते हैं अल्लामा इकबाल, और कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। और कौमी फल कौन सा है? आम। वेरी गुड बच्चों, तो आपने इनको नाम भी याद रखने और इनकी पहचान भी आपने याद रखनी है। तो चलते हैं हम आप नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, और वो है एक्सरसाइज, और सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेना है बुक के ऊपर। द ग्रीन पार्ट इन द पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट, जी बच्चों ग्रीन जो था वो मुस्लिम को, हिंदू को या नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, बताइए जरा, मुस्लिम्स को। तो इसका जो ठीक जवाब है बच्चों वो क्या है? मुस्लिम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूं, मुस्लिम्स, ये इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, द डैश इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, करेंसी ऑफ पाकिस्तान पाउंड में होती है, रियाल में होती है या रुपी में? जी, तो इसकी जो करेंसी होती है वो किस में होती है? रुपी में होती है। नंबर 3 है, इज अवर नेशनल पोएट, जी नेशनल पोएट का नाम बताना है, फैज अहमद फैज, मिर्जा गालिब या फिर अल्लामा इकबाल, जी बिल्कुल अल्लामा इकबाल इसका सही जवाब है। और लास्ट पे है, द डैश इज अवर नेशनल एनिमल, मारखोर, लाइन या फिर एलिफेंट? मारखोर, वेरी गुड बच्चों, ठीक जवाब आपने दिया, मारखोर हमारा नेशनल एनिमल है। जी तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है ट्रू फॉल्स, पाकिस्तान नेशनल एंथम इज प्रेयर फॉर द कंट्री प्रॉस्पेरिटी। तो क्या ये टिक है या क्रॉस है कि जो हमारा कौमी तराना है हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए पढ़ते हैं? वेरी गुड, ये टिक है बच्चों। इस्लाम इज द स्टेट रिलीजियन ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान इस्लामी रियासत का नाम है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टिक है ये भी। और नेक्स्ट है,
नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज ट्रोजर एंड शर्ट। गलत, शलवार कमीज है, तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस कर देंगे। और लास्ट पे है फील्ड हॉकी इज पाकिस्तानी नेशनल स्पोर्ट। क्या हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, ये भी टिक हो गया। तो बच्चों आपने इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नीट करना है और घर पे रहना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपना भी आपने ख्याल रखना है, और इस काम को अच्छी तरह से डन कर लेना है। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।